गाइस मैंने अभी आपको बताया था कि मैं यहाँ पे चिचड़ा खाऊंगा करके, फिर हम लोग मैंने कहा था कि मैं तो लेने वाला नहीं हूँ। गाइस एंड वेलकम बैक टू जीकेवी, गाजी के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये देखो, आप जानी पहचान की जगह लग रही है, हम लोग बैठे हैं अभी रेलवे स्टेशन पे। आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम हम लोग ट्रेन से वापस से ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ जी, काफ़ी टाइम के बाद वापस से, काफ़ी टाइम के बाद। और ये मास्क ज़रूरी है, इसीलिए अभी हम लोगों ने मास्क पहना हुआ है। तो ये व्लॉग खास उन लोगों के लिए जिनको मेरी ट्रेन की जर्नीज अच्छी लगती है। तो आइए थोड़ी मस्ती करते हैं और रैंडम व्लॉग एक बनाते हैं। ये आ गई है ट्रेन और है तो खाली खाली। मुंबई की लोकल ट्रेन में बैठने का मज़ा ही कुछ अलग है यार। तो चलो ट्रेन में चलते, तो चलो हम चढ़ते हैं ट्रेन में। फाइनली हम लोगों को मिल गई है सीट बैठने के लिए। और अभी हम कहाँ उतरेंगे? पैदोनी। पैदोनी उतरेंगे, ये बस है पैदोनी तक। तो वहाँ क्यों जा रहे, क्या जा रहे, वो सब बताने वाले। तो गाइस ये है पूरा पैदोनी का बाज़ार। ऐसे आपको फैब्रिक्स मिलेंगे, ये कर्टन्स वगैरह का स्टॉल है। और यहाँ पर ऐसे स्टोर्स भी है जहाँ पे बच्चों के और बड़ों के कपड़े मिल जाते हैं। बीच में रुक गए थे और अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पैदोनी में हम लोग थोड़ी शॉपिंग करने के बाद यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहे हैं। ये देखो सैलड के साथ में कबाब पाव, मटन कबाब, ओनली 10 रुपीज़। देखो यहाँ पर देखो शामी कबाब पाव ओनली 10 रुपीज़। तो आज हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने वाले हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रीट फूड, कितनी तरह तरह के स्ट्रीट फूड वेज नॉन वेज में ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये पैदोनी का मेन मार्केट है। और अभी हिजाजी का दिल चाह रहा है, क्या खाएंगे हिजाजी? पानी पूरी। हाँ रगड़ा पूरी नहीं है तो खाते रहते यार, कॉमन है ये। हाँ आगे कुछ देखिए स्टॉल यहाँ पे कुछ दिख रहा है, भजिए वगैरह है, छोटे छोटे पकौड़ी है, समोसे। ये वाले छोटे भजिए ले लो, एक प्लेट भजिया ले लो। नहीं हिजाजी ने वड़ा पाव लिया। हाँ मिक्स रहेगा भजिया, ये भी डालो। हाँ मैं भजिया पाव ले रहा हूँ। ये देखो एक प्लेट दो ना, छोटी प्लेट में दे दो। ये देखो ये हो गया प्लेट में गर्मा गर्म भजिया पाव तैयार। तो एक नॉन वेज खाए और एक अभी वेज। तो हिजाजी ने कैसे घाटे का सौदा किया है देखो। हिजाजी ने एक वड़ा पाव लिया जिसमें दो थोड़ा है, और मैंने भजिया पाव लिया जिसमें 3-4 तरह के भजिए। सब लोग ये खा रहे हैं स्ट्रीट फूड, कहते हैं कि हेल्दी खाना चाहिए, लेकिन हम लोग का उल्टा फंडा है, बाहर का खाइए बीमार पड़िए। नहीं नहीं ऐसा अच्छा है। अच्छा ये इधर हिजाजी एक वड़ा पाव खाली खा रहा है और मेरे को वही रेट पे इतने सारे भजिया पाव मिल गए। तो आप बताओ फायदे में कौन रहा? एक बिहारी सबसे भारी। बहुत ही फ्रेश और क्रिस्पी थे अच्छे से। और अभी देखो यहाँ पर खिचड़े का काउंटर दिख रहा है, खिचड़ा मस्त बिरिस्ता डाल रहे हैं। अभी हम लोग वो ट्राई करेंगे, इसके बाद में पूरी गली खाने की पीने की सब ट्राई कर लेंगे। कि जो खिचड़ा है मेरी अभी नज़र गई कि फेमस खिचड़ा साबिर पाक के यहाँ पे जो होता है बरेली का है। तो ये बरेली है, ये बरेली का है खिचड़ा। अच्छा बरेली में लगा, हम लोग भी बरेली से हैं। अच्छा बरेली में शाबाद मोहल्ले जी। अच्छा हमारे शराफत मियाँ है ना, उनके अफसाने पे वो हमारे पीरो मुर्शिद हैं। अच्छा आप मुरीद हो? हाँ सकलैन मियाँ दूर से। जी जी हम भी। तो माशाल्लाह लगाई दिए, पीर भाई निकले हमारे। ये देखो खिचड़े का इनका स्टॉल है। और आप जब भी आना चाहो यहाँ पे आके, बिल्कुल पैदोनी के यहाँ पर खिचड़े, इनके पास बहुत लजीज खिचड़ा होता है, आप ट्राई कर सकते हो। माशाल्लाह तो ऐसी पहचान में, जब से देख रहा था मुझे अट्रैक्ट कर रही थी इनकी स्टॉल। फिर ये मैंने यहाँ से जो वड़ा पाव लिया, उनके बिल्कुल बाजू में खिचड़े का स्टॉल है। तो बहुत ही माशाल्लाह टेस्टी और हाइजीनिक घर का जैसा बना हुआ खिचड़ा इनके यहाँ पर मिल जाएगा आपको। उसके बाजू में यहाँ पर लेमन की स्टॉल है, देखो ये इसे बना के इसे आपको बना के मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो बहुत खुशी हुई भाई जनाब से मिलके। मेरा एक्चुअली यूट्यूब पे एक चैनल है, यूट्यूब पे मेरा चैनल है, तो मैं उस पर आपको लाइव करता हूँ। हमारे यहाँ पे काफ़ी पीर भाई है, तो आपको इंशाल्लाह देखकर यहाँ पर आएंगे। तो गाइस यहाँ पर आप आइए, इनके पास यहाँ पर आपको खिचड़ा मिल जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, अरे अरे वैसे नहीं, सो स्वीट ऑफी में उन्होंने देखो ऑफर किया है खिचड़ा। और ये देखिए खिचड़ा बहुत ज़्यादा कर रहा है। शुक्रिया। आपका नाम? साबिर कुरैशी। साबिर कुरैशी माशाल्लाह, साबिर कुरैशी भाई है यहाँ पर।
के देखिए उनका ये बरेली का स्टॉल। अच्छा ये उनका नाम लिखा हुआ है फेमस काजू वाला खिचड़ा बरेली। माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारे बरेली के पीर भाई निकले। तो जय जी साबिर भाई ने हमें खिचड़ा खिलाया, कैसा लग रहा है खिचड़ा? यब यकीन मानो इतना ऐसा लग रहा है कि घर से मतलब बनाते ना, इतना हाइजीनिक वे में बना हुआ है, बहुत ही लजीज का टेस्ट है। ये है बरेली का स्पेशल खिचड़ा, ये हमारे साबिर भाई है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें खिचड़ा टेस्ट करवाया। और आप लोग भी जो भी पाइदोनी पे मोहम्मद अली रोड पे रहते हैं यहाँ पर आके आप ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए फेमस काजू वाला खिचड़ा साबिर कुरैशी, इनका नाम है बरेली का। गाइस मैंने अभी आपको बताया था कि मैं यहाँ पे खिचड़ा खाऊंगा करके, फिर हम लोग मैंने कहा था कि मैं तो लेने वाला नहीं हूँ। हाँ यादी ने बोला तुमने कैमरे पे बोल तो दिए, लेकिन मैं खिचड़ा लेने वाला नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी फुल हो चुका है। हाँ लेकिन बोलते हैं ना बंदा जो नियत करता है अल्लाह वो चीज़ ज़रूर देता है। देखो ये साबिर भाई हमारे बरेली के पीर भाई निकले और इन्होंने यहाँ पे देखो खिचड़ा हम लोगों को बहुत अच्छा है, ऑथेंटिक जो हम लोग बरेली में खाते हैं। बरेली में खिचड़ा और बिरयानी खास करके पसंद की जाती है, तो बिल्कुल वही ऑथेंटिक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आप लोग ज़रूर आइए। कैसी प्लेट है अपने पास? अच्छा 40 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ में बहुत ही बढ़िया खिचड़ा आप लोगों को मिल जाएगा, और टेस्ट बहुत बढ़िया है, रेट भी बहुत रीजनेबल है और चीज़ बहुत ऑथेंटिक है। तो गाइज ये है पूरा पाइदोनी का मार्केट, यहाँ पे आपको रेडीमेड जेंट्स के लेडीज़ के कपड़े लेसेस, ये देखिए ऐसे रोड साइड स्टॉल भी दिख जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, तो आप पाइदोनी अगर आना चाहते हैं, ये मेन टाउन का मार्केट है। ये देखिए आपको लहंगे अनारकली और ये सारी रोड साइड स्टॉल्स है, इसके पीछे आप देख सकते हैं दुकानें हैं और ये सारी पूरी मार्केट लगती है यहाँ पर। ये बिल्कुल एग्जैक्टली नवाब मस्जिद के सामने है। फिर यहाँ पर देखिए पर्सेज है, बैग्स है, हमने भी यहाँ पर कुछ शॉपिंग की है। देखो हमारे हाथ में भी शॉपिंग का बैग्स है और ये चादरें वगैरह है, बर्तन है। तो ये पूरा आपको एक बड़ा टाउन में मार्केट मिल जाएगा। अभी हम लोग यहाँ से टैक्सी पकड़ रहे हैं एंड देन वी विल हेड बैक टू आर होम। अच्छा आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर है ना ये सारे, ये देखिए जरी का काम होता है, ओल्ड जरी यहाँ पे खरीदी जाती है, जरी की चीज़ें। तो ये मेन खास मार्केट पाइदोनी का उसके लिए है, यहाँ पे फेमस है। तो फाइनली यहाँ पे टैक्सी मिलना बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को टैक्सी मिल गई है और अभी हम लोग हेड करेंगे टुवर्ड्स चर्च गेट स्टेशन। अंदर रखो, चलिए भैया बैठ जाते हैं, बिस्मिल्लाह। चलिए तो ये है गाइस पूरा पाइदोनी का मार्केट। कहते हैं ना शक्कर के खाने वाले को अल्लाह शक्कर ही खिलाता है, तो आज का ये एग्जांपल था। हम लोग आउट ऑफ द ब्लू ऐसे रैंडमली सारे फूड स्टॉल्स ट्राई कर रहे थे और बरेली शरीफ का नाम देखकर हम लोग ने वहाँ पर सिर्फ मैंने एक वीडियो के लिए अप्रोच किया और देखो मैंने इजाज़ी से कहा कि अभी हम लोग खिचड़ा खाएंगे। आज ऐसा हो गया शक्कर के खाने वाले को शक्कर क्या खिचड़ा भी मिल गया। और मैं इजाज़ी मेरे को बोल रहा था मैं आपने कैमरे पर बोल तो दिए हो लेकिन मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं खिला रहा हूँ क्योंकि मुझे भूख नहीं है। लेकिन देखो जो मिलना होता है और इस कैसे पहुंच जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओ इतना जेन्युइन पर्सन थे वो, यकीन मानो हम लोग ने उनको फिर बाद में हम लोग फ्री खाना अच्छा नहीं लगा तो हम लोग उनको मनी भी ऑफर कर रहे थे लेकिन बोले कि मैं नहीं लूंगा खाली आपकी बरकत के लिए, नहीं लिया एक रुपया ही चाहिए करके। और लिटरली हम लोग कितनी बार ऑफर किए लेकिन नहीं तो नहीं लिए उन्होंने, फिर अनफॉर्चुनेट मुझे उनको एक रुपया ही देना पड़ा, वो भी उन्होंने साइड निकाल के रख लिया। सो दिस वॉज द बेस्ट थिंग अबाउट टुडेज व्लॉग, ये चीज बहुत अच्छी लगी हम लोगों को। पहले यहाँ पे से ना हम लोग कालबा देवी से, हमारे जितने भी खानदान में शादियाँ होती थी तो हमारे कपड़े यहाँ कालबा देवी पे एक महावीर एनेक्स करके है, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग वहाँ से लेते हैं। तो मेरे जितने भी डिज़ाइनर शर्ट्स वगैरह होते हैं, ये देखिए महावीर डिज़ाइनर स्टूडियो, ये इनका पुराना आउटलेट है और हमारे कजिन्स वगैरह की शादी में, इनफैक्ट हमारी भी शादी में जितने भी कपड़े गए थे, ये देखिए ये है महावीर एनेक्स, यहाँ से हम पूरे शॉपिंग करते हैं। और उनकी यहाँ पर भी एक शॉप है बिल्कुल सामने अपोजिट के अंदर। तो ये पूरा खास कपड़ों के लिए मार्केट है कालबा देवी का, ये किड्स जोन है, देखिए किड्स के लिए है यहाँ पर। और ये वाला महावीर मेंस, तो ये इनकी पहले वाली आउटलेट थी, ये देखो यहाँ पर आप सामने देख पा रहे होंगे, ये इनकी पहले वाली आउटलेट थी महावीर एनेक्स की और अब वो नई वाली खुली है। तो मानियावर के जैसा टेस्ट है इनका।
गाइस ये था आज का मार्केट का पैदोनी मार्केट का व्लॉग, और फिर हमने यहाँ से चर्च गेट स्टेशन से मीरा रोड के लिए ट्रेन कैच की और हम घर की तरफ आ गए। तो ज़रूर मुझे बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।